अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट हैनिश। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मंगोचियों की, मतलब के मूंग की दाल के पकोड़ों का सालन। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, मतलब इसको आप रोटी के साथ खा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। और इसका थोड़ा यूनिक स्टाइल है इसका सालन बनाने का, और मंगोचियों का सालन है मतलब कि मूंग की दाल के पकोड़ों का सालन। तो मूंग की दाल के पकोड़े बनते हैं जो कि बहुत मज़े के लगते हैं। तो चलें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पकोड़ों से। तो हम पकोड़े बनाते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो यहाँ मैंने मूँग की दाल ले ली थी जिसे मैंने भिगो दिया था 6 से 7 घंटे तक। तो जी, मसालों में मैंने लिया है कुटा धनिया 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पीसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, नमक हस्ब ज़ायका, मीठा सोडा 1 चुटकी, गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच मैंने ले लिया था। अच्छा जी, मैंने 2 खाने के चम्मच जो है वो बेसन ले लिया था। ज़रूरत हो तो लीजिएगा, नहीं हो तो नहीं लीजिएगा, मुझे ज़रूरत थी। मैंने यहाँ पे दाल पीस ली थी और मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीसा था, क्योंकि अगर आपका ब्लेंडर ऐसे ही पीस सकता है तो आप पीस लीजिएगा, वरना आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और इसको मुझे थोड़ा और थिक करना था जिसके लिए मैंने जो है बेसन डाला था। 2 खाने के चम्मच अप्रॉक्सीमेटली मैंने ऐड कर दिया था बेसन और इसको मिक्स कर लिया था। मुझे जिस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए थी, मुझे ऐसी कंसिस्टेंसी मिल गई थी बेसन डालने से। थोड़ा सा जायका अच्छा हो गया था और जो है मेरी कंसिस्टेंसी भी वैसी हो गई थी, थिक हो गई थी ज़रा। अब मैं यहाँ पे सारे मसाले वगैरह ऐड कर रही हूँ, मीठा सोडा वगैरह, पिसी मिर्चें, जो भी मैंने आपको पीछे बताई इन्ग्रीडियंट्स वो सारे मैं ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं जो हूँ कढ़ाई में तेल डाल के और पकोड़े फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करने के बाद मैं निकाल लूँगी। अच्छा, फ्राई आप लोग किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले आप जो है अपने पकोड़े आप डाल दें ऑयल में और आप 5 मिनट तक कोई चम्मच नहीं चलाइएगा, वरना ये टूट सकते हैं। तो 5 मिनट के बाद आप इसमें चम्मच चलाइएगा और इसको आपने मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, क्योंकि दाल कच्ची है और जो है बेसन के पकोड़ों की तरह इसको जो है ट्रीट नहीं कीजिएगा, इसको थोड़ा सा दाल की पकोड़ों की तरह ही ट्रीट कीजिएगा। थोड़ी देर इसको सही से पकने दीजिएगा ताकि अंदर तक गल जाएं, और ये जो है पकोड़े बनने के बाद बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी से लग रहे होते हैं। कुछ मेरी साबुत दाल रह गई थी इसमें, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे पकोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से। तो यहाँ पर मेरे पकोड़े रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं अपने सालन की तरफ। जी, तो सालन बनाने के लिए जो मसाले मैंने लिए थे वो उसमें धनिया पाउडर था 1/2 टेबल स्पून, भुना कुटा ज़ीरा था 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर था 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स था 1/2 टी स्पून, टर्मरिक पाउडर था 1/2 टी स्पून, गरम मसाला पाउडर था 1/2 टी स्पून, सॉल्ट आपको पता है अपने हिसाब से आप डाल लें, और फेनुग्रीक सीड मतलब कि मेथी दाना था 1/2 टी स्पून, से भी थोड़ा कम लिया था मैंने। पिसी हुई प्याज थी 1 कप के करीब, थोड़ा सा कम था 1 कप में। अच्छा, मैंने टमाटरों का पेस्ट बना लिया था, इसमें 2 हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी और तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ले लिया था, और दही भी 1 प्याली ही मैंने ले लिए थे। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 1 खाने का चम्मच ले लिया था भर के। तो यहाँ पे मैंने पतीली में ऑयल डाल लिया है और ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म किया था और मैंने इसमें मेथी दाना ऐड कर दिया था। मेथी दाने को थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे
अच्छा, जब मेथी दाने का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, जलाइएगा नहीं, थोड़ा सा जब ब्राउन हो जाए तो आप इसमें डाल देंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे आप अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के आप भूनेंगे इसको, और इसको बहुत ज़्यादा भूनना है। इस सालन में जो है आपने जो भी चीज़ डाली है ना, उसको आपने भूनना है ताकि इसमें जो है उसके कच्चेपन की जो स्मेल होती है एक, वो निकल जाए। तो जी, हम अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा थोड़े से देर के लिए भून लिया हमने। अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। मसालों को भी आपने पानी थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके, जैसे नीचे लगना स्टार्ट हो, थोड़ा सा पानी डालें और फिर भूनें, थोड़ा सा पानी डालें फिर भूनें। मतलब आपने ये तकरीबन जब तक करना है जब तक आपकी स्मेल ना ख़त्म हो जाए कच्चेपन की आपके मसाले से। ठीक, तो जब लगे आपको कि आपके मसालों में से जो कच्ची कच्ची सी जो स्मेल है वो ख़त्म हो गई है, तो आप इसमें प्याज़ ऐड कर दीजिएगा, पिसी हुई प्याज, और इसे भी आप खूब भूनेंगे। जी, तो जब लगे कि आपकी प्याज की कच्ची स्मेल जो थी वो ख़त्म हो गई है, तो आप इसमें पिसे हुए टमाटर, मतलब टमाटर का पेस्ट आप शामिल कर दीजिएगा, और इसे भी आपने भूनना है। बस सारा खेल इसमें जो है वो भुनाई का ही है। तो आपने खूब भूनना है, खूब भूनना है, क्योंकि भून के जो सालन बनता है, जो भुने हुए जो होते हैं अच्छे से, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है, उसमें ही जायका होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ, बार बार थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसे भुनाई करनी है, और बहुत ज़्यादा भुनाई करनी है। जी, तो जब सारा मसाला भून जाए तो फिर आप इसमें शामिल करेंगे दही। दही को बहुत अच्छे से फेंट लीजिएगा, इसमें लम्स नहीं बने हुए हों, वरना फिर वो सालन में जो वो ऐसा फटा फटा सा जो अजीब सा जो टेक्सचर आता है ना, वो अच्छा नहीं लगता सालन में। तो अच्छे से इसको बीट कर लीजिएगा। जी, तो यहाँ पे मैंने दही को भी अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ पानी। अब मुझे इसको फाइनल लुक देना है, तो मैं इसमें तकरीबन 2 ग्लास के करीब मैं पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इसका जो सालन होता है वो पतला होता है, बिल्कुल पतला सालन होता है, क्योंकि हम जब इसमें पकौड़े डालेंगे ना, तो पकौड़े भी सक करते हैं शोरबा, तो इसलिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना होता है। अब यहाँ पे हमने अच्छे से इसको पकाना है थोड़ी देर के लिए। आप ढक दें, आप अच्छे से पका लें, जब इसमें खोल आना शुरू हो जाए तो फिर आप अपने पकोड़े इसमें शामिल कर देंगे, और फिर पकोड़ों को शामिल करने के बाद आप इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे हल्के हाथ से, और आपने इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ढक के, ताकि पकोड़े जो है वो आपके अच्छे से फूल जाएं। और जो है आप अपना शोरबा भी देख लीजिएगा कि जब आप कवर्ड इसका खोलेंगे तो आप अपना शोरबा भी देख लीजिएगा। अगर शोरबा नहीं है तो आप इसमें 1 ग्लास पानी ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको जितना शोरबा चाहिए आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन पानी जो है वो गर्म करके ही डालेंगे। तो जी, यहाँ हमारे पकौड़ों का सालन तैयार हो गया है, मंगोचियों का सालन तैयार हो गया है। तो मुझे जो है बताइएगा ज़रूर, आप लोग घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कैसा बना है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।